सुनो, जाओगे तुम्हारी क्या हमारी ओड़ी में? तुम सुनोगी ना तो तुम्हारे भी तोते उड़ जाएंगे। सिर्फ तोते क्या, कबूतर में ना कुछ भी नहीं बचेगा। बकवास नहीं करो, ये बताओ सीधा सीधा हुआ क्या है? ठीक है तो सुनो सीधा सीधा, वो आई है। वो कौन? मूसा की माँ जी। क्या, तुम होश में तो हो, यहाँ कैसे आ सकती है? होश तो उन्होंने उड़ा दिए सबके। ये लंबी बड़ी गाड़ी में आई है, सारी गली में चर्चा है। तो किसके साथ आई है? मूसा साथ आया? पता नहीं किसके साथ आई है, जिसके साथ भी आई है वो अंदर नहीं आया। लेकिन एक बात तो है, ये मूसा तो बड़ा कमाल का बंदा निकला यार, दबंग फैंटास्टिक, मजा आ गया। बकवास बंद करो, अभी कहाँ है वो लोग? अन्ना जी के पास बैठी है। सच बताऊं तो अन्ना जी के भी होश उड़ गए हैं। क्या रोबदार खातून है, क्या पुरनूर चेहरा है कसम से। छोटा मुंह बड़ी बात, आप बुरा ना मनाए तो मैं एक बात कहूं, ये जगह हरगिज आपके आने के काबिल नहीं, हमसे आप पोष लोग। यहाँ कोई भी सफेद पोश अगर तहलीस पार करता है तो उसकी पोशाक पे दाग लगने में देर नहीं लगती। आना पड़ा, किसी ने शर्ती ऐसी लगा दी थी, और जब कोई प्यारा शर्त लगा देता है उसे पूरा तो करना पड़ता है ना। किसने शर्त रखी? एक बेटी ने शर्त लगा दी, ममता की कसौटी को परखने की शर्त, और माँ को तो उस कसौटी में उतरना ही था ना। अब आप यहाँ तक तशरीफ ला ही चुकी हैं तो आने का मकसद भी बयान कर दीजिए। मैं उसे देखना चाहती हूँ जिसने मेरे बेटे को सब कुछ भुला दिया। एक माँ 20-25 साल तक अपने बेटे को बड़ा करके सारे सबक सिखाती है, और कोई एक ऐसी आती है जो 24 घंटों के अंदर अंदर सारे सबक भुला देती है। मुझे उसे देखना है जिसने मेरे सिखाए हुए सारे वफा के सबक भुला दिए।